में हाई सिक्योरिटी यहाँ पर रखा हुआ है इसी की वजह से। दोस्तों जा रहे हैं और दूसरे ओर पर, दूसरे डिस्टिनेशन पर, दूसरे जगह पर, तो लोग देख रही है जो कोहिमा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ाई हुआ था उस टाइम का जो टैंक था वो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और दूसरे दिशा में हूँ और वहाँ पर हम लोग देखने जा रहा है वो है जेक फाइटर। जब लड़ाई के टाइम में जेक फाइटर चलाता है, पहले ज़माना में कौन सा वाला जेक फाइटर चलाता है, कौन सा नंबर है और कैसा है, क्या कलर का है और सभी सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में दिखाना चाहता हूँ। तो देखते हैं वीडियो में, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों आते आते बिल्कुल करीब पहुँच चुका है और ज़्यादा देर नहीं है और कुछ ही दूरी में ही है, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो पे लागे रहिए इधर से, तो मिलेंगे दोस्तों, दिखाऊंगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नागालैंड में जब उस टाइम में लड़ाई हुआ था तब लड़ाई करके लड़ाई को लोग जो चीज़ें छोड़ के गया है वो आप सभी को दिखा के दिखाऊँगा। तो चलो दोस्तों जगह में पहुँच के वहाँ पे आप लोग को दिखाऊँगा। तो दोस्तों हम बिल्कुल जगह में पहुँच गया है, बिल्कुल करीब है मेरे पास, मेरे सामने ही है और आप लोग को दिखाऊँगा अभी। दिखाने से पहले आप मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कर लीजिए। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ और हम इधर में जगह में पहुँच के थोड़ा रेस्ट हाउस है जिसका रेस्ट हाउस को थोड़ा दिखाएगा थोड़ा दूर से। बिल्कुल करीब है, हम थोड़ा रेस्ट किया है और आप लोग दिखाने जा रहा हूँ पहले ज़माने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एयरक्राफ्ट है उसको छोड़ के गया है यहाँ पे और उसका नंबर और जगह कलर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। फिर भी एक यहाँ पे समय से आ गया, यहाँ पे पूरा बाउंड्री लगाया हुआ है इसी की वजह से हम पास में जाके आप लोगों को दिखाने नहीं सकूँगा क्योंकि हम कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी सके जितना सकेगा पास में जाके हम वीडियो बनाने के लिए। तो चलो वीडियो में देखते रहिए। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीज़न के वजह से हम आगे जा नहीं सकता है, फिर भी जितना सकेगा हम आपको जूम करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ VIP लोगों के लिए है ये जगह, और ऊपर में जो बिल्डिंग देख रहा है उसके अंदर जो है वहाँ पे हमारे नागालैंड का गवर्नर रहता है, इसी की वजह से यहाँ में ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए यही था और जितना सकेगा हम आगे या पीछे साइड में भी लेके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो पे देखते रहिए। Mm-hmm.